श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर 10 में। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की विधि और कथा के बारे में। तो उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत मार्गशीर्ष महीने में रखा जाता है। इसे संकटा चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना व्रत उपवास करते हैं। संकटा चतुर्थी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकटहरण चतुर्थी, संकटा चौथ भी कहते हैं। यह त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ तिल चावल चीनी घृत का साकल्य बनाकर हवन करावें, वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे शिकार खेलने के लिए प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का शिकार करने के दौरान वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतारित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान ने राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खर दूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है, वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और उस समुद्र के पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं।
आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम के से समुद्र लांग सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में सामर्थ्य नहीं है। संपाती की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाती, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाती ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाती के सुझाव से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांग गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं और संकटों का हरण होता है, इसलिए इस व्रत को संकटा चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और कौरवों को हराकर धर्म का प्रचार किया और धर्मनिष्ठ राजा बने। इसलिए जो कोई भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ संकटा चौथ का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में गणेश लोक में वास होता है। बोलो श्री गणेशाय नमः।